हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। गाइस आज हमारे पास है महिंद्रा थार एंड टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर। आप लोग देख सकते हो गाइस यहां पे माइकल भी गाइस हमारे साथ है। माइकल का गाइस फॉर्च्यूनर माइकल का एंड गाइस आज हम लोग बहुत ही ज्यादा बढ़िया वाला कंपेयर चैलेंज करने वाले इन दोनों गाड़ियों का। गाइस आज हम इन दोनों कार का रेसिंग कंपेयर करेंगे एंड बिल्ड क्वालिटी कंपेयर करेंगे। आप लोग गाइस दोनों गाड़ियों का इंटीरियर भी देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा बढ़िया कार है। यहाँ पे फॉर्च्यूनर को गाइस माइकल चलाने वाले एंड मैं यहाँ पे गाइस थार को चलाने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते अपने स्पीड टेस्ट ट्रैक की तरफ। ओके गाइस, यहाँ पे दोनों गाड़ियां लेकर हम लोग स्पीड टेस्ट ट्रैक की तरफ आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। एंड मैं गाइस लेके जाने वाला हूँ अपनी महिंद्रा की थार एंड मैं यहाँ पे गाइस निकल चुका हूँ। बट वेट, आप लोग देख सकते हो गाइस गाड़ी स्टार्ट होती है गाइस 100 प्लस स्पीड पकड़ चुकी है लिटरली में गाइस, बहुत ही ज्यादा बढ़िया स्पीड यहाँ पे हमारी महिंद्रा की थार देते हुए। ओके गाइस 150 भी क्रॉस हो चुका है, बट गाइस बहुत ही बढ़िया बैलेंस है इस कार का। आप लोग देख सकते हो गाइस कितनी पतली सी ट्रैक है यहाँ पर, बट यहाँ पे भी गाइस बहुत ही ज्यादा बढ़िया बैलेंस बनाया हुआ है। हमारी गाड़ी आगे जा रही है एंड गाइस 180 प्लस, यस गाइस आप लोग देख सकते हो 180, मुझे लगता है गाइस 200 क्रॉस कर देगी हमारी यहाँ पे महिंद्रा थार। आप लोग देख सकते हो गाइस 182 83 फाइनली। ओके गाइस 184 85 गाइस ओने। ओके गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 185 तो टच कर दिया हमारी महिंद्रा की थार ने। ओके गाइस यहाँ पे 185 हमारी महिंद्रा थार की स्पीड है, हम लोग चलते हैं फॉर्च्यूनर के पास। वेल तो गाइस यहाँ पे माइकल फॉर्च्यूनर में बैठ चुके हैं, आप लोग देख सकते हो एंड देखते हैं गाइस फॉर्च्यूनर कैसा परफॉर्मेंस देती है। यहाँ पे महिंद्रा थार की मैक्सिमम स्पीड गाइस आप लोगों ने देख ली थी जो कि 185 थी, बट यहाँ पे गाइस मुझे लगता है फॉर्च्यूनर काफी ज्यादा स्लो है महिंद्रा थार के कंपेयर में। आप लोग देख सकते हो गाइस बहुत ही धीरे तरीके से यहाँ पे फॉर्च्यूनर ने स्पीड पकड़ा है लिटरली में, आप लोग देख सकते हो बहुत ही धीरे से आगे जा रही है। बट गाइस यहाँ पे 140 का तो स्पीड पकड़ लिया गाइस, बट वेट यहाँ पे बहुत ही स्लोली आगे जा रही है गाइस। फॉर्च्यूनर ने तो 150 बहुत ही जल्दी क्रॉस कर लिया था, आप लोग देख सकते हो गाइस 145 146 है तो आगे जाए। ओके यहाँ पे 147 हो चुका है, मुझे लगता है गाइस यही मैक्सिमम स्पीड है 185 से 147, आप लोग देख सकते हो गाइस 147 148 गाइस यहाँ पे हो चुका है 150। यस गाइस हमारे फॉर्च्यूनर की मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे गाइस मुझे लगता है 150 है, आप लोग देख सकते हो गाइस बहुत ही स्लोली और आगे जा रहा है स्पीड 152 यहाँ पे गाइस हो चुका है एंड सामने की तरफ। ओके फिट। ओके गाइस यहाँ पे मैंने तार को टोक दिया है, हम लोग चलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट चैलेंज की तरफ जो कि है बिल्ड क्वालिटी चैलेंज। ओके गाइस यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी टेस्ट के लिए मैं आ चुका हूँ मेज बिंग टावर के ऊपर। आप लोग देख सकते हो गाइस लॉस सैंटोस की एक बहुत ही ज्यादा बड़ी टावर है ये एंड गाइस मैं यहाँ पे अपनी थार को यहाँ से कुदाने वालू। आप लोग देख सकते हो गाइस पहले मैं जाऊंगा, मेरे बाद गाइस माइकल भी आ जाएगा। आप लोग देख सकते हो गाइस मैंने यहाँ पे अपनी थार को जंप करा दिया एंड गाइस हम लोग बहुत ही ज्यादा स्पीड से नीचे की तरफ जा रहे हैं लिटरली में, आप लोग देख सकते हो। देखते हैं गाइस हमारी कार को क्या होता है। ओके गाइस यहाँ पे हम लोग नीचे तो आ चुके हैं एंड गाइस मेरे थार का लिटरली में आगे से बम्पर अंदर की तरफ घुस गया, एक हेडलाइट भी चली गई है एंड गाइस बैक से भी बहुत ही ज्यादा लॉस हो चुका है हमारी तार का। ओके गाइस यहाँ पे माइकल भी अपने फॉर्च्यूनर में बैठ चुका है, आप लोग देख सकते हो गाइस माइकल की फॉर्च्यूनर क्या ही बढ़िया लग रही है ऊपर से एंड देखते हैं गाइस माइकल की फॉर्च्यूनर के साथ क्या रहता है। ओके यहाँ पे माइकल ने कार को जंप तो करा दिए एंड बहुत ही स्पीड से गाइस माइकल भी नीचे आ रहा है एंड वेट ये हमारी थार में ना टूक जाए। ओके गाइस यहाँ पे माइकल की कार को भी काफी ज्यादा लग चुका है, आगे से गाइस उसका भी एक हेडलाइट टूट चुका है एंड वेट गाइस बिल्कुल सेम ही तरीके से इन दोनों कार को लगा है। गाइस मुझे लगता है मैं फिर से एक दफा बहुत ही एक्सट्रीम लेवल बिल्ड क्वालिटी चैलेंज करना पड़ेगा, तो हम लोग चलते गाइस अपने नेक्स्ट एक्सट्रीम लेवल बिल्ड क्वालिटी चैलेंज पर। ओके गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइस एक कार्गो प्लेन के ऊपर हम लोग हैं लिटरली में इस वक्त। गाइस एक कार्गो प्लेन के ऊपर हम लोग 200 फीट ऊपर है लिटरली में, गाइस आप लोग देख सकते हो नीचे की तरफ। अगर आप लोग देखो गाइस मैक्स बैंक इतना छोटा सा लग रहा है जिसपे अभी हमने चैलेंज किया था, क्योंकि गाइस ये भी बिल्ड क्वालिटी चैलेंज है बट बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे। ओके गाइस यहाँ पे मैं अपनी थार के अंदर बैठ चुका हूँ एंड मैं बहुत ही ज्यादा स्पीड से नीचे की तरफ जाने वाला हूँ, आप लोग देख सकते हो गाइस एंड देखते गाइस हमारी थार को लिटरली में क्या होता है। आप लोग देख सकते हो गाइस लिटरली में 200 फीट से हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हो गाइस मेज बैंक कितना ज्यादा छोटा सा लग रहा था ऊपर से, अभी गाइस हम लोग मेज बैंक से ही कूदे थे बट गाइस यहाँ पे देखते कार को क्या होता है। ओके गाइस यहाँ पे फाइनली हमारी कार नीचे तो आ चुकी है एंड वेट
गाइज लिटरली में कार का ऊपर बहुत ही ज्यादा लग चुका है गाइज, लिटरली में आगे से दोनों हेडलाइटें गई, बम्पर भी अंदर की तरफ गया एंड गाइज बैक से भी बहुत ही ज्यादा कार टूट चुकी है, आप लोग देख सकते हो। एंड देखते गाइज माइकल के फॉर्च्यूनर के साथ क्या रहता है। वेल तो गाइज माइकल यहाँ पे अपने फॉर्च्यूनर के अंदर बैठ चुका है, आप लोग देख सकते हो गाइज। एंड माइकल भी नीचे की तरफ जंप मारने वाला है। ओके गाइज माइकल ने बहुत ही ज्यादा स्पीड से जंप मारा है, आप लोग देख सकते हो, जैसा कि माइकल भी बहुत ही ज्यादा तेजी से नीचे की तरफ आते हुए। एंड देखते गाइज हमारी फॉर्च्यूनर को क्या होता है। लिटरली में गाइज मुझे लगता है फॉर्च्यूनर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यस गाइज मुझे लगता है फॉर्च्यूनर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एंड देखते गाइज ओके तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइज माइकल भी नीचे आ चुका है। वेट गाइस माइकल का भी गाइस बहुत ही ज्यादा लॉस हो चुका है, आप लोग देख सकते हो पीछे से गाइस गाड़ी बिल्कुल ही ज्यादा अंदर जा चुकी है। लिटरली में सामने से गाइस देखते हैं कि माइकल जब आएगा, सामने से देखते हैं कि माइकल की गाड़ी को आकर सामने से। ओके गाइस आप लोग देख सकते हो गाइस सामने से माइकल की गाड़ी को कुछ हुआ भी नहीं है। लिटरली में वेट में आप लोगों को दिखा देता हूँ गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो माइकल की गाड़ी सामने से बिल्कुल ज्यादा होके आप लोग देख सकते हो। एंड मेरी गाड़ी गाइस बिल्कुल ही ज्यादा खत्म हो चुकी है सामने से। एंड बैक से अगर देखे गाइस बैक से दोनों ही गाड़ियां बहुत ही ज्यादा बेकार हो चुकी है। बट गाइस यहां पे इस चैलेंज का विनर माइकल की कार है, फॉर्च्यूनर लेजेंडर 2024, क्योंकि गाइस माइकल की गाड़ी को सामने से कुछ भी नहीं हुआ। अगर तो गाइस आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।